सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ यानी औरंगाबाद मशरक़ी हलका इंतखाब से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी आरपीआई इत्तेहाद के उम्मीदवार कलीम कुरैशी ने पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद कलीम कुरैशी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी तादाद में उनके हामी और उनके पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। देखिए ये सब मंजर वीडियो के ज़रिए और बयान कलीम कुरैशी का। औरंगाबाद के अंदर, पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर अपने को तीनों पार्टियां मिलकर लड़ रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी। इन्होंने इतनी मिलकर इतनी बड़ी ताकत बनाई है कि अपनी ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। और अभी बहुत सारे का बोलना आ रहा कि ये जो मीडिया वाले जो पूछ रहे थे कि MM का क्या है, तो मैंने पहली बात ये बोला कि MM से मेरी टक्कर ही नहीं है और आप MM पार्टी का नाम मत लो। मेरी ओनली वन सिर्फ भाजपा से टक्कर है, क्योंकि हमारे लोगों के हालत ऐसी है। 370 कलाम जो लगा है इन्होंने कश्मीर के लोगों के, अभी ऐसे पैसे साथे हैं। तो औरंगाबाद के लोगों का बोलना चाहिए क्या बोले, आप विधानसभा में जाओ, आप हमारे औरंगाबाद शहर के MLA बने, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तरक्की होंगी। ये जो जुल्म कर रहे भाजपा वाले, जो हमारे लोगों को जो तकलीफ होती है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो इंशाल्लाह ये तकलीफें मैं होने नहीं दूंगा। और इंशाल्लाह बहुत सारे मसले हैं, कचरे के हैं, रोड के हैं, मैं चुन के आने के बाद ये पूरा कचरा ही साफ कर दूँगा। कलीम कुरैशी साहब आ गए, भरा है औरंगाबाद के अंदर। जो मैंने जोश देखा है, जो यहाँ की माओ बहनों का मैंने जो रैली देखा है, बल्कि रैली नहीं, ये एक रैली की शक्ल में आया था और ये रैला तब्दील होगा इंशाल्लाह 21 तारीख को जब पोलिंग होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो माएँ बहनें और हमारे जो बुज़ुर्ग और हमारे जो इलाके के नौजवानों ने जो कसम खाई है, जो अहद किया है कि हमको परिवर्तन लाना है। नौजवान साथियों, परिवर्तन तब आता है जब नौजवानों में इनकलाब आता है। जब माओ बहनों ने इनकलाब के बारे में सोचा और ये देखा कि कुछ लोगों ने आकर के कौम के नाम पर ठगने का काम किया और कौम के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया। आपने हमने मिल करके वोट दिया, लेकिन वोट पाने के बाद लोगों ने जब जुल्म होता है हमारी कौम पे, कोई आगे नहीं आता। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली के अंदर एक शेर है जिसका नाम है अबू आसिम आजमी। मैं पूरे दावे के साथ ये कहता हूँ कि अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र के असेंबली में अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब इंशाल्लाह हमारा भाई एक कलीम कुरैशी जो औरंगाबाद पूर्व से जीत करके जाएगा और भिवंडी से हमारा उम्मीदवार जीत कर आएगा। और अबू आसिम आजमी के दाएँ और बाएँ, दाहिना और बायां दोनों हाथ जब उनके साथ मजबूती से खड़ा होगा, तो महाराष्ट्र